हाय फ्रेंड्स, मैं सिर्फ जिग्नेश शाह। आज हम प्रेस नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। प्रेस नोमेनक्लेचर का मतलब क्या सर? हमारे जो कितने ऐसे प्रोडक्ट होते हैं डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं, जो हम पंचिंग या फिर बेंडिंग इस तरीके के कोई ऑपरेशन से बनाते हैं जिसमें हम मशीनिंग हो सके उतना कम रखते हैं, ताकि प्रोसीजर थोड़ा कम हो और कम टाइम में पच जाए। ओके, तो आज उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले ये बेड है। बेड का काम क्या, जो पूरी मशीन का वजन है अपनी पोजीशन पर रखना, क्योंकि पंचिंग या ऑपरेशन के प्रेस ऑपरेशन के टाइम पे वाइब्रेशंस बहुत प्रोड्यूस हो सकती है। ओके, तो उसके बाद आते हैं बोल्स्टर प्लेट। बोल्स्टर प्लेट क्या करती है, डाई होल्डर को पकड़ती है। और डाई होल्डर का काम क्या है, डाई को पकड़ के रखना, उसके नाम से ही पता चल रहा है। ओके, तो इसके आजू बाजू लगे रहते हैं गाइड पोस्ट। ओके, गाइड पोस्ट का काम क्या है, जो पंच होल्डर है जिसके और रैम के साथ कनेक्टेड है। ओके, ये ऊपर नीचे होगा तो सही डायरेक्शन में रखना, उसके लिए गाइड पोस्ट लगा रखे, और गाइड पोस्ट को वियर ना लगे इसके से बूस रखा है। ओके, बूस हम रिप्लेस कर सकते हैं, हमारी ज़रूरत के हिसाब से होता है, वो डिज़ाइन करते हैं। वर्क पीस है, उसके ऊपर स्ट्रिपर प्लेट लगाते हैं ताकि थोड़ा इफेक्ट कम लगे उस पर, वर्क पीस पे डैमेजिंग की चांसेस कम और एक्यूरेसी अच्छी रहे। ये हुआ, ये पंच है, ये बैकअप प्लेट से कनेक्टेड होता है। बैकअप प्लेट के साथ पंच प्लेट भी होता है, वो पंच होल्डर पे साथ फिट होता है। जैसे इस पर हम फोर्स लगाएंगे, वर्क पीस के हिसाब से यहाँ पे फोर्स डिसाइड होता है और पंच डिज़ाइन होती है। ओके, जैसे ये नीचे आएगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से पंचिंग या ब्लैंकिंग ऑपरेशन होता है। ब्लैंकिंग में जो ऑब्जेक्ट बाहर निकल रहा है वो काम का होता है, पंचिंग के अंदर जो ऑब्जेक्ट है पूरा वो काम का होता है, जो ना कि जो बाहर निकल रहा है। तो जिस तरीके से होगा वो यहाँ से मटेरियल बाहर आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ओके, और ये डाई को हम सीयर एंगल देते ताकि कटिंग फोर्स कम से कम लगाना पड़े और वर्क पीस भी अच्छी तरीके से कट हो। डिफरेंट डिफरेंट एंगल हम वर्क पीस को भी दे सकते हैं और डाई को भी दे सकते हैं। थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही सिर्फ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा।